पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना सर्वाधिक चमकदार दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना किसने रखा, क्यों रखा, कोरोना ही क्यों रखा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और इतने सारे नाम थे दुनिया में, कोई भी नाम रख देते, लेकिन कोरोना का कोरोना ही नाम क्यों रखा, किसने रखा, इसका जवाब हमें चाहिए। सब लोग यही बोल रहे हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना होगा, साथ में शेयर करना होगा सबके साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका पता चले कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों रखा गया। द हिंदुस्तान टुडे की टीम ने पूरे अच्छे से रिसर्च करी है, आपके लिए एकदम सटीक और एकदम सही आंसर लेके आई है, और आपको आज इस वीडियो में पूरा पता चलने वाला है। जल्दी से, छोटी सी वीडियो, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे के पहले और भी क्वेश्चन निकल के आते हैं माइंड में कि कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है, या तो कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस भी क्यों कहा जाता है। साथ में सबसे बड़ा सवाल तो ये बना ही है कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया। तो दोस्तों, कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। हालांकि मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दिया है, लेकिन उस वीडियो में भी ये कमेंट आ रहा है कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया वो बताइए, तो वो भी मैं इस पर बता रहा हूँ। साथ में कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है वो भी बता दूंगा, साथ में ये भी बता दूंगा कि कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। तो यानी इसी वीडियो में आपको तीन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपने जब से कोरोना वायरस आया है तब से कुछ क्वेश्चंस और निकल के आ रहे होंगे, और सब निकल के आ रहे हैं कि क्वारंटाइन क्या होता है या आइसोलेशन क्या होता है, तो इनके भी वीडियो हमने पहले बना के रखे हैं, तो आप चैनल में जाके सब देख लीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया। दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, जब भी कोई नई बीमारी आती है तो WHO का एक विभाग ICD जिसे कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, यह हर बीमारी का नाम रखने का कार्य करता है। एक और विभाग है जिसका नाम है ICTV, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, यह जो है ये वायरस का नाम रखने का कार्य करता है। कोई भी नया वायरस दुनिया में निकल के आएगा तो यही इसका नाम रखेगा, लेकिन ऐसे ही नाम नहीं रख दिया जाता है, बहुत सारी इसकी स्टेजेस होती हैं, सबके साथ सर्वसम्मति मनानी पड़ती है, तब जाके किसी भी वायरस का नाम रखा जाता है। अब दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है। तो कोरोना वायरस को कोविड-19 इसलिए कहा जाता है, आप स्क्रीन में देखिए, कोरोना से हो गया CO, से हो गया कोरोना, VI से हो गया वायरस, और D से हो गया डिसीज़, और 19 का मतलब है 2019 में इसको पहली बार देखा गया था, तो इसलिए कोरोना वायरस को कोविड-19 कहा जाता है। ये हो गया एक सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है कि कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। अब इसका जवाब ये है दोस्तों, जब भी कोई बीमारी जिसको जो पहले से ज्ञात होती है और वो दोबारा आती है और भयानक रूप लेके, तो उस बीमारी के आगे नोवेल लगा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से ही ज्ञात वायरस है, और पहले से ज्ञात थी ये चीज़, लेकिन इस बार बहुत खतरनाक रूप से कुछ अलग ही तरीके से आई है, इसलिए इसके आगे नोवेल लगा दिया गया है, और इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। अब दोस्तों, सबसे मेन सवाल का आंसर मैं आपको देता हूँ कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अब दोस्तों, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। सूर्य आप सबने देखा होगा, सूर्य जो चमकता रहता है आसमान में। अब दोस्तों, ये सूर्य जो है इसकी 6 मुख्य परतें होती हैं। 6 मुख्य परतों को 2 भागों में बांटा गया है, 3 होती है अंदरूनी परत और 3 होती है बाहरी परत। अंदरूनी परत जो सबसे अंदर होती है वो होती है सबसे पहली कोर, दूसरे नंबर में आती है रेडिएटिव जोन, तीसरे नंबर में आती है कन्वेक्शन जोन, ये होती है अंदरूनी परत। और इसके बाद बाहरी परत में आती है 4थे नंबर में फोटोस्फीयर, 5वें नंबर में क्रोमोस्फीयर, और 6वें नंबर में जो सबसे बाहरी परत होती है इसको कोरोना कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसका नाम कोरोना होता है वह सबसे ज़्यादा चमकदार, सर्वाधिक चमकदार दिखाई देती है। यह जो चीज़ है यह 7वीं-8वीं कक्षा में विज्ञान विषय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने भी पढ़ा था, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था। जब द हिंदुस्तान टुडे की टीम ने इस विषय में रिसर्च किया कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा, तो यह बात निकल के सामने आई कि जब वैज्ञानिकों ने इस वायरस को देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहली बार, तो इसकी संरचना बिल्कुल कोरोना जैसी दिखी। कोरोना अर्थात सूर्य की चमकदार परत जो कि सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि जो ये वायरस था ये भी पूरा सूर्य की तरह गोल था, इस पे भी शाखाएं ऐसी बाहरी उभरी हुई थी जिस तरीके से सूर्य की आभा उभरती है। आभा जब आप देखेंगे सूर्य ग्रहण के दिन, एक बाहरी परत बहुत जो कि बहुत मोटी होती है, वो लगभग 10 किलोमीटर तक मोटी होती है, जिसको कोरोना परत कहा जाता है, तो उसी की तरह इसकी संरचना दिखी, इस वायरस की संरचना दिखी।
और इसी कारण इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया और तब से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया। यही है इसका सही आंसर, एकदम सटीक आंसर। आप कहीं भी इसको आप सर्च करके देखिएगा, यही इसका मेन आंसर है, सही आंसर है। द हिंदुस्तान टुडे की टीम ने 100% इसको रिसर्च करके आपको आंसर लेके आई है। आपके लिए बहुत मेहनत करी है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा सबके साथ, और अभी भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। और यही इसका एक्यूरेट एकदम सही आंसर है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर अब देसी अंदाज में, द हिंदुस्तान टुडे।